तब श्रीकांत सर आपको क्या लगता है सरकार समान काम का समान वेतन देने वाली है? देखिए श्रीकांत सर क्या बताएंगे संतोष सर, अभी तक तो केवल सरकारी वकील ही बोल रहा है। ये 5 दिन का समय गुजर गया, जब हम लोगों की बारी आएगी तब ना हम लोग अपना बात रखेंगे, है कि नहीं श्रीकांत सर? बिल्कुल यही बात। अरे प्रणाम 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 अमन सर, आइए 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 आइए। प्रणाम प्रणाम सर, सबके प्रणाम। आइए बैठिए। अरे दिल्ली का कुछ खोज खबर सुनाइए, क्या चल रहा है दिल्ली में? अरे दिल्ली में तो अभी सुनवाइए चल रहा है सर, आप तो जानते ही है कि दिल्ली का वकील जहाँ एक बार पैर लगा दिए तो पैसे पर पैसा जाना शुरू उन लोगों। अब हमारे संघ के शिक्षक साथी वहाँ पर चंदा दे रहे हैं वकीलों का, अब आप चाहे जैसे भी दीजिए, आपको देना है पैसा तभी तो वो लोग लड़ेंगे हमारे लिए, नहीं तो सरकार की मंशा है कि आप वहाँ से हार करके आ जाइए। आपके पास पैसा होगा तभी तो अच्छा वकील रखिएगा। अब जो भी हो सर, संघ के मजबूती के लिए तो पैसा देना ही है, देना है, चाहे जिस तरीके से दे, अपना पेट काट के दीजिए, चाहे बच्चा लोग को ट्यूशन छोड़ा के दीजिए, चाहे पत्नी का गहना बेच के दीजिए, देना ही है, नहीं तो संघ की मजबूती हम नहीं बन पाए। आखिर कब तक हम लोग अपना पेट काट काट कर संघ की मदद करते रहेंगे? सवाल तो जायज है श्रीकांत सर, लेकिन हम शिक्षकों का दर्द सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचेगा कैसे? हे सर्वोच्च न्यायालय, कम से काम नहीं चलने वाला, हमें पूरा सम्मान चाहिए। शिक्षक है हुजूर, समान वेतन मान चाहिए। काम समान करते हैं तो कम मजदूरी क्यों ले? अपने परिवार को सालों भर हम मजदूरी क्यों दे? हमें हमारा हक मिले, नहीं हमें दान चाहिए। शिक्षक है माई बाप, समान वेतन मान चाहिए। हम त्रस्त हैं सरकार की नीतियों से, प्रताड़ित करने वाले कूटनीतियों से, टुकड़ों पर पलने वाला नहीं, हमें अब वरदान चाहिए। शिक्षक है मालिक, हमें समान वेतन मान चाहिए। न्याय मंदिर में बैठे हे न्यायमूर्ति, सुन लो आप, कैसे देख सकते हो अन्याय होते हमारे साथ? भविष्य गढ़ने वालों का उचित वर्तमान चाहिए। हे न्यायदाता, शिक्षक हैं हम, हमें समान वेतन मान चाहिए। समान वेतन मान चाहिए, समान वेतन मान चाहिए। शिक्षक साथियों नमस्कार। न्यायिक संघर्ष की आखिरी लड़ाई के लिए अपने अपने संघों को तन मन धन से सहयोग करें, साथ ही इस वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने शिक्षक साथियों के पास इतना पहुंचाएं कि हम शिक्षक साथियों की बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।